हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त रोहित सिंह बिष्ट। आज एक बेसिक क्लास लेके मैं आपके पास आया हूं होटल मैनेजमेंट की, जिसमें हम लोग अपने फ्रेशर स्टूडेंट्स को सबसे पहले बताते हैं हाउ टू यूज़ ए नाइफ और हाउ टू होल्ड ए नाइफ, कि एक नाइफ को कैसे पकड़ना है, कैसे उसको यूज़ करना है, चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो सबसे पहले जब भी हम लोग चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले जो आपका ये मेन टेबल है, इस पर हम लोग थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं इस जगह पे, इसको थोड़ा सा हम लोग गीला कर लेते हैं, और गीला करने के बाद इस पर हम लोग इस तरह से टिश्यू लगा देंगे, सो दैट टिश्यू आपके लगाने से इसका बेस बन जाएगा, और उसके बाद हम जब इसके ऊपर चॉपिंग बोर्ड रखेंगे तो चॉपिंग बोर्ड आपका हिलेगा नहीं, लाइक दिस। अब ये चॉपिंग बोर्ड आपका हिलेगा नहीं, ये फिक्स हो जाएगा। सो आफ्टर दैट जो भी हम लोग इस पर यहाँ पे काम करेंगे वो बिल्कुल परफेक्टली होगा। हाउ टू होल्ड ए नाइफ, सो ये आपके पास, मेरे पास अभी ऑल पर्पस नाइफ है, जिसको हम लोग शेफ नाइफ भी बोलते हैं। एक मैं एंगल आप देखेंगे थोड़ा सा पतला है, और दूसरे का ये जो एंगल है ये चौड़ा है, तो ये दोनों नाइफ है मेरे पास। तो इसको कैसे होल्ड करते हैं उसका हम लोग सबसे पहले बताएंगे। सो दिस इज योर पाम, तो हथेली पे पहले आपने ये हिस्से को इस तरह से रखना है, और राउंड अबाउट हाथ को यो घुमाते हुए आपने रखना है, और ये जो आपकी ये वाली फिंगर है इसको आपने इसके ऊपर रखना है, और लाइक दिस ये एंगल बनेगा आपके नाइफ को पकड़ने के लिए। कुछ लोग इस तरह से करते हैं, कुछ लोग इस तरह से करते हैं, ये करेंगे तो आप लोग ये हाथ आपका नीचे आ जाएगा, हाथ नीचे आ जाएगा तो कट सही नहीं बनेगा और हाथ आपका पहले नीचे आ जाएगा। और कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करने से भी ये जो आपका एंगल है यहाँ पे आपका हाथ में दर्द होता है इस फिंगर पे। तो हम लोगों ने इसको बेस बनाते हुए नाइफ को इस तरह से यहाँ पे ये फिंगर और देन ये इस तरह से उसको होल्ड करना है, कुछ भी करना है। और आपका ये हो गया आपका नॉर्मल नाइफ, और ये थोड़ा ब्रॉड नाइफ है, सेम ब्रॉड नाइफ में भी हम लोगों ने इस तरह से इसको होल्ड करना है नाइफ को। तो अभी मेरे पास ये एक अनियन है, तो आपको मैं दिखाता हूँ बोथ नाइफ से कि किस तरह से अनियन को कट करना है। अगर हमारे पास ये नाइफ है तो आप लोगों को ध्यान रखना है बेस हमेशा नीचे की साइड पर होगा, और जो आपका एंगल है जो ये वाला पेस है ये ऊपर रहेगा इसमें। इसके बाद आपने फिंगर इस तो ऐसे नहीं पकड़ना, अगर आप ऐसे पकड़ेंगे तो आपकी फिंगर्स कट करने का ऑल द वे ये आपका खतरा है, आप उंगलियां काट सकते हो अपनी। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरह से होल्ड करना है, लाइक दिस, इस तरह से आपने वेजिटेबल होल्ड करनी है। फोर काइंड ऑफ, अगर आपके पास कैरेट है, कैरेट को हम लोग कट कर रहे हैं, तो कैरेट को भी आपने इस तरह से होल्ड करना, लाइक दिस। तो इससे आपका ये आपको पता रहेगा ये जो एंगल है यहाँ पर आपकी जो ये हड्डी निकली होती है ये वाली, यहाँ से आपके नाइफ का जो ब्लेड है ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ब्रॉड नाइफ है तो ये देखो इससे ऊपर आपका नाइफ का ब्लेड नहीं जाना चाहिए, ये यहाँ तक आपको पता लग जाएगा। आपका नाइफ जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको पता लग जाएगा नाइफ ऊपर जा रहा है, आप लोग ध्यान दोगे। और सेम इस वाले नाइफ के साथ भी ये आपका यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वरना ये चीज़ यहाँ पर कट जाएगा क्योंकि थोड़ा सा बाहर निकला होता है। तो ये अनियन है, मैंने ये नाइफ उठाया, तो हम लोग इसको ऐसे होल्ड करेंगे और इस तरह से कट करेंगे। फॉर सिंपल साइड से ये चीज़ है, साइड कट करनी है, हम लोग बेस का इस्तेमाल करेंगे इस तरह से, ये आपका कट करेंगे। जो आप देखोगे मेरा जो ये ब्लेड है ये इस नाइफ से ऊपर नहीं जाएगा, और इसको हम इस तरह से स्मूथली लेके चले जाएंगे। ये हुआ आपके ब्रॉड नाइफ के साथ कटिंग में, तो ये आपका इस तरह से कट निकलेगा। और तो ये अनियन जो होता है आपका हार्ड होता है। अगर मैं बात करता हूँ टमाटर की, टमाटर आपका सॉफ्ट बॉडी का है, जो भी सॉफ्ट फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो भी सॉफ्ट है उस पर हम लोग नाइफ को इस तरह से लेके चलते हैं सीधा, मतलब उसको प्रेशर नहीं करना है, उसको आपने ऑल द वे लेके चलना है। जैसे ये मैं इसके साथ बात करता हूँ, ये देखिए ऑल द वे आपने इसको ऐसे लेके चलना है कट करने के लिए। ब्रॉड नाइफ मैं यूज़ करता हूँ, सेम चीज इसको भी आपने ऐसे ऑल द वे लेके चलना है, ऑल द वे। अगर मैं इसमें प्रेशर दूंगा, फॉर मैंने अभी ऑल द वे लिया नाइफ को, अगर मैं इसमें प्रेशर दूंगा तो देखिए प्रेशर देने से ये नाइफ दब रहा है, ये देखिए प्रेशर देने से दब जाएगा। तो हमें प्रेशर नहीं देना है, हम लोग कैसे कट करना है ऑल द वे लेके चलना है। ये देखिए जब मैं ऑल द वे लेके चला हूँ तो कितना प्यार से आपका कट निकल के आ रहा है। तो ये तो हमेशा याद रखना है, नाइफ को आपने इस तरह से होल्ड करना है। सो नाउ अब मैं आपको बताता हूँ हाउ टू डू पील, कैसे आप लोगों ने कोई भी वेजिटेबल्स को कैसे पील करना है। मेरे पास एक कैरेट है, तो इसको सबसे तो आपने बाउल यूज़ करना है। इस बाउल से क्या होगा आपका मैसअप नहीं होगा कहीं भी रहेगा नहीं, और जो आपका ये पार्ट है ऑल द वे डाउन आपने इस तरह से लेके चलना है। तो ये क्या होगा आपका नीचे की साइड पे आएगा, देखिए तो ये आपका नीचे ही गिरेगा और आपके इसमें गया। तो इस तरह से आप लोगों ने पीलिंग करनी है कोई भी चीज़ की, ठीक है। तो ये देखिए ऑल द वे डाउन,
दिस इज द वेट। सो मैंने आपको अभी एक बेसिक्स बताया है किस तरह से हमें नाइफ को होल्ड करना चाहिए और कैसे हमें पील करना है। तो आई होप एक बेसिक वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आपका दोस्त शेफ रोहित सिंह बिस्ट, एंड आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। चलो तुम लोग तीनों